आप सबका स्ट्रीमर्स पे पुनः स्वागत है। बचपन की बात है। हमारी गार्डन में हर साल एक फूडी आता था। वो दिन रात बस खाता ही रहता था। जानना चाहेंगे आखिर ये फूडी कौन था? ये फूडी और कोई नहीं, एक कैटरपिलर था। हर साल बसंत ऋतु के समय हमारे गार्डन में आता था और सदाबहार पौधे के पत्ते को खा खा कर ख़त्म कर देता था। और मम्मी हमेशा उसे उठा कर बाहर फेंक देती थी क्योंकि वो उनके पौधे खराब कर देता था। फिर 2012 में मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इस कैटरपिलर को अपना पेट बनाया जाए। बेसिकली इट्स अ नाइस आइडिया फॉर दोज हु विश टू कीप अ पेट। मेरी और मेरी एक दीदी की एक ख्वाहिश थी, हमें घर में एक जानवर कुत्ते बिल्ली पालना था। पर जैसा कि आपको पता है, सबकी माँ का एक ही होता है, उसके बाल कौन साफ करेगा, उसकी पॉटी कौन उठा के फेंकेगा, तुम उठा के फेंकोगे। अब हम कुत्ते बिल्ली तो पाल नहीं सकते थे। हमने कहा ना तो इसके पास फर है और ना ही इसकी कुत्ते या बिल्ली की जैसी पोटी होगी। और हमारे पेरेंट्स मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये कैटरपिलर हमारा टीचर बन के लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई और मॉथ जो पढ़ाने वाला था। बस इसने अपनी एग स्टेज पार कर ली थी। क्या आप जानना चाहेंगे आखिर ये दिखता कैसा था? हरे रंग का, 4 से 7 सेंटीमीटर का। उसके शरीर के दोनों तरफ सफ़ेद रंग की धारियाँ और कुछ गोले बने हुए थे। पीछे की तरफ एक छोटा सा नारंगी रंग का हॉर्न, सामने की तरफ हाथी की जैसी सूंड और उस सूंड के दोनों तरफ कोई मिल गया के जादू की तरह आँखों के निशान। हमारा छोटू सा एलियन था वो, जिसको हमने कीरू नाम दिया। दिन भर उसे हम बाहर उसके फेवरेट सदाबहार के पौधे पर बैठाते थे और बार बार जाकर देखा करते थे कि कहीं वो भाग तो नहीं गया, और शाम होते ही उसे घर के अंदर ले आते थे। एक जार के अंदर थोड़ी सी मिट्टी और सदाबहार के पत्तों के बीच उसे बैठा देते थे और उस जार को एक कपड़े से ढक देते थे ताकि कीड़ू मजे से सांस ले सके और भाग ना सके, क्योंकि वो हमारे आंखों का तारा बन गया था। घर से स्कूल और स्कूल से घर के सफ़र में हम सब सहेलियां बस कीड़ों की ही बात किया करते थे। जितना भी समय हमें पढ़ाई के बाद मिलता था, हम उसके साथ खेला करते थे। उन दिनों हमें टीवी देखने से ज़्यादा मज़ा कीड़ू को सदाबहार के पत्ते खाते हुए देखने में आता था। वो अपने छोटे छोटे पैरों को आगे बढ़ाता, अपने पंजों से पत्ते को पकड़ता और लंबी सी सूंड निकालकर पत्तों को खाता। छुट्टी वाले दिन तो हम उसी के पास अपनी किताबें लेकर बैठे होते थे। दिन बीतते गए पर इस छोटी सी फूडी का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना खाता था कि बेचारा सदाबहार का पौधा गंजा हो गया। हम दोनों बहनें मिलकर बातें किया करते थे कि शायद इस मोटू को सुमो रेसलर बनना होगा, तभी ये इतना खाता है। इस छोटे से कीड़ू में कई बदलाव आए, शरीर के ऊपर काले धब्बे, हरे से नारंगी रंग का हो जाना। अब मैं
मैं आप सबको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी जो हमने बचपन में बनाई थी, और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। बतुए कोई दाल बना लो। देखो क्या हो रहा है शिवानी, अपने कीड़ों की बना रही है वीडियो। क्यों परेशान कर रही बेचारे को? जाएगा ना अभी? Yes, yes, it is moving. It is moving. हाँ रख रही हूँ, रुको, लगा रही हूँ अभी। Very slow में लगा। Turn the water again. No, good boy. क्या क्या बड़ी बड़ी होंगी है क्या? छोटी हूँ। क्यों? ये अपनी आगे क्या बहुत बड़ी भी कर लेता है? अच्छा जब गुस्सा आता होगा। अपने सूंड नहीं ला रहा है, पता था पूरी खोल ली। Yes, come on, baby, come on. इस बार इसने अपनी आंखें ना बहुत बुरी कर ली। हाँ देखिए देखो, सूंड खुल गई है। बहुत लंबी है इसकी सूंड तो। Kiwi is walking, searching for patta. Kiwi! ऐसे लगने से कितना लंबा लगता है देखना। वापस छोटी होगी ना? पूरी लंबी है। ये क्या नीचे जाके सोएगा आज? It's eating. इसके नजर आ रहे कैसे भाग करके खा रहा है। क्या हो गया इसको? स्ट्रेचिंग कर रहा है। अच्छा नहीं लग रहा पत्ते का टेस्ट। क्या हो गया इसको? एक मिनट है, पत्ता तोड़ के लेके आ। नहीं नहीं ले वाला है इसको, ये वाला ले। क्या? ये ऊपर जो पत्ता गिरा हुआ। कौन सा? ये पत्ता जो लगा हुआ है साथ। बॉटल को पकड़। मेरा हाथ कांपता है। हाँ खा रहे थे कितना। हाँ चरा हुआ उसके ऊपर खा रहे। सी फ्रॉम दिस साइड इफ यू कैन, यहाँ से बना के देख।
आप कमरे के ऊपर। बॉटल को कल जब इसको बाहर रखेगी ना हल्का सा पानी से पोंछ देना। ज्यादा नहीं साफ होता। हाँ नहीं साफ होता। क्या कर रहा है? ब्लैंकेट मार रहा है क्या? मार नहीं पा रहा है। इसको कुछ चाहिए उस सेट करने के लिए। इसकी डंडी हल्के से उस सेट कर, क्या पता बॉटल के ऊपर से आ जाए। और फिर उसके पैर गायब हो गए। अब वो कैसे चलेगा? ना जाने उसे क्या हो गया। हमारे कीरू ने अचानक से खाना छोड़ दिया, गोल होकर मिट्टी में बैठ गया। क्या वो हमसे नाराज हो गया? क्या वो एक ही चीज खा खा कर परेशान हो गया? क्या वो हमें छोड़कर चला जाएगा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए स्ट्रीमर्स पर। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। धन्यवाद।